पलटू कुमार मुख्यमंत्री है, वो जनादेश को गला घोटने का, लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया है। और एनडीए को जनादेश इसलिए आया था कि जंगल राज के मुक्ति पाने के लिए, फिर जंगल राज में धकेलने का पलटू कुमार जी ने काम किया है। इनके ऊपर चार सीट और बिहार का डिप्टी सीएम है, उनको गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। अब की पहली बार ऐसा उन्होंने किया है जो चार सीटेड डिप्टी सीएम को अपने साथ में लेके घूम रहे हैं। ये बिहार की जनता पूछ रही है, क्या आपने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया? तो नैतिकता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें। के द्वारा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज विधानसभा मार्च है। तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, एमएलसी हैं, वो पहुंच चुके हैं हमारे साथ बात करने के लिए। एमएलसी हैं, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आज विधानसभा मार्च है, किन मुद्दों को? आप देख ही रहे हैं कि बिहार की जनता ने किस तरह से मार्च करने के लिए गांधी मैदान में चप्पे चप्पे लोग इकट्ठे हुए हैं। और बिहार के जो पलटू कुमार मुख्यमंत्री है, वो जनादेश को गला घोटने का, लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया है। बिहार की जनता जनादेश दिया था एनडीए को, और एनडीए को जनादेश इसलिए आया था कि जंगल राज के मुक्ति पाने के लिए, फिर जंगल राज में धकेलने का पलटू कुमार जी ने काम किया है। आप देख रहे हैं कि आए दिन हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, बिहार के कर्मचारी हो, अधिवक्ता हो, आम पब्लिक को कोई सुरक्षित नहीं है। वो लोकतंत्र के गला दबाने का ये मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आपने देखा होगा जीता जागता उदाहरण, जिनके ऊपर चार सीट और बिहार का डिप्टी सीएम है, उनको गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। अब की पहली बार ऐसा उन्होंने किया है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, वो जीतनराम मांझी को जब एफआईआर होता है, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। आपके राम कुमार सिंह जी को जैसे एफआईआर हुआ, चार सीट ले लिया। मंजू वर्मा जी को जैसे चार सीट हुआ, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। तमाम जो है कि, लेकिन आज कौन सी मजबूरी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू कुमार जी जो चार सीटेड डिप्टी सीएम को अपने साथ में लेके घूम रहे हैं? ये बिहार की जनता पूछ रही है, क्या आपने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया? तो नैतिकता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें। सवाल ये है कि महागठबंधन कह रही है कि पवार जी पर, जिस पे ईडी और सीबीआई का जो चार्जशीट था, आप बीजेपी में गए तो क्या वो दूध के धुले हो? कानून अपना काम कर रही है, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस में आज दर्जनों लोगों को उन्होंने इस्तीफा लिया है। लेकिन कौन सी मजबूरी है, क्या भ्रष्टाचार से उन्होंने समझौता कर लिया? जनता तो यही पूछ रही है। तो जो चार सीटेड उप मुख्यमंत्री है उनसे इस्तीफा लेने, तो स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें। शिक्षक को जिस तरह से पीटा गया, किसान सलाहकार को कल पीटा गया, इस पे क्या कहेंगे? बहुत दुखद है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार के आप मंत्री, वो दुष्ट प्रवृत्ति के शिक्षकों का उदाहरण दिया जा रहा है। ये बड़ी शर्मसार है, जो शिक्षकों ने बच्चों को, गरीबों को, शोषितों को, बच्चों को पढ़ा करके एक शिक्षा के माध्यम से दिशा देने का काम करता है, उस शिक्षकों को दुष्ट प्रवृत्ति कहा जा रहा है। ये स्पष्ट मांग है कि आप बीपीएससी से बहाली करें, लेकिन जिन लोगों को आपने दो चार साल एनडीए के शासनकाल में शिक्षक के रूप में बहाल कर दिया गया, उसको आप राजकर्मी का दर्जा दें। और नए बहाली जो करना है, आप बिहार बीपीएससी से आप करते रहें। जी जरूर, आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जनक राम एमएलसी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है, देखिए जिस तरह से बहाली निकली है, उसके बाद डोमिसाइल नीति समाप्त किया जाता है, साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थी जब अपनी मांग को लेकर के सड़क पे उतरते हैं तो उसे डंडों से पीटा जाता है, किसान सलाहकार को पीटा जाता है, ये कहीं से भी सही नहीं। यहाँ तक कि शिक्षक अभ्यर्थी को दुष्ट कह जाते हैं, शिक्षक को दुष्ट कह जाते हैं, ये सरासर गलत है। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहे इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।